दोस्तों नमस्कार, मैं भवानी। दोस्तों इस एपिसोड में अपन देख रहे हैं क्रॉस लिंक वाला जो सेंट्रल लॉकिंग मॉड्यूल आता है 315 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जिसके अंदर रिमोट डलता है वो वाले का अपन रिमोट मैचिंग का प्रोसेस देखेंगे। सर गाड़ी में कई बार डोर स्विच का या किसी तरह की वायरिंग के फॉल्ट होने की वजह से अपन इसके अंदर रिमोट सक्सेसफुली मैच नहीं कर पाते या उसको सिक्योरिटी से अनलॉक नहीं कर पाते। तो सर हमने स्वदेशी टूल के साथ जो केबल आता है इसमें एक 2 पिन का वायर है जो रीसेट करने के काम आता है और ये कपलर है, इसको अपन इसकी लोकेशन पर यहाँ प्रॉपर्ली लगा देंगे। और इसके अंदर एक जो 2 पिन का सॉकेट होता है इसको सर थोड़ा अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है। 3 सॉकेट होते हैं सर इसमें, उसमें सेंटर वाला जो सॉकेट होता है 2 मुंह वाला उसके अंदर अपन इस छोटे वाले कपलर को अच्छे से प्लेस कर देंगे। सबसे पहला स्टेप सर अपन स्वदेशी टूल को पावर ऑन करेंगे। स्वदेशी टूल पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होने के बाद कंपनी का नाम लिखा आ जाता है और सबसे पहला स्टेप बनता है आपका इसको आइडेंटिफाई करवाना यानी कि सर्च करवाना। तो सबसे नीचे वाला बटन दबा के मैंने इसको ऑटोमेटिक सर्चिंग मोड में डाला तो आपके टूल ने ऑटोमेटिक बोल दिया कि ये क्रॉस लिंक का मॉड्यूल है। अब यहाँ करने के लिए 2 चीज़ें हैं सर, सिक्योरिटी मोड से बाहर निकालने के लिए अपन इसको रीसेट करेंगे, आफ्टर सक्सेसफुल रीसेट अपन रिमोट मैच करने वाले प्रोसेसर में आगे बढ़ेंगे। मेरे पास VVDI टूल है सर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये रिमोट इस मॉड्यूल के साथ अभी वर्किंग में है, काम कर रहा है और ये रिमोट अपन कस्टमर को बना के देना चाह रहे हैं। इसके अंदर मैंने डेटा ट्रांसफ़र कर लिया है, आप देखें VVDI के अंदर क्रॉस लिंक 1595 315 फ्रीक्वेंसी वाला रिमोट इसमें जनरेट करना होता है। तो अपन देखते हैं सर, देखो रिमोट की लाइट्स वगैरह ऑन हो रही है बट अभी वो इसके साथ पेयर नहीं है, मैचिंग मोड में नहीं है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले अपन इसको रीसेट कर लेते हैं। रीसेट का प्रोसेस ऑटोमेटिक है, अपने को कुछ भी नहीं करना है, सारा काम आपका स्वदेशी टूल करेगा। बीप आया था, इंडिकेटर जले थे, प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। जो काम करना है स्वदेशी टूल ने अपने आप करना है। अनलॉक का लाइट एक बार ग्लो हुआ था, अनलॉक का लाइट ग्लो होने के बाद थोड़ा आपसे ये टाइम मांग रहा है रीसेटिंग प्रोसेस का। थोड़ी देर बाद स्क्रीन पे मैसेज आ गया सर कि रीसेट डन। अभी मैं जाऊंगा नया रिमोट मैच कराने वाले प्रोसेस में। ये देखिए ये जो रिमोट है अपन इसको अभी मैच करवाएंगे। मैंने मैच का बटन दबाया, थोड़ा वेट किया, जब स्क्रीन बोलेगा तब अपने को रिमोट काम में लेना। आप देख पा रहे हैं सर कि अनलॉक वाला लाइट 3-4 बार ग्लो कर गया, स्क्रीन पे मैसेज आया कि रिमोट का लॉक अनलॉक दबाइए। मैंने 3 बार 4 बार 5 बार लगभग रिमोट के बटन दबाए, ये देख पा रहे हैं सर ये रिमोट सक्सेसफुली आपके 315 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी लेने वाला ब्लैक कलर का होता है सर जनरली मार्केट में। ये देखिए सर रिमोट मैच हो गया। ये कस्टमर का पुराना रिमोट था, ये उसमें से उतर गया और अपन ने नया रिमोट बना दिया। धन्यवाद।